हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टाटा ऑटो टेक में। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। ये वीडियो जो है दोस्तों थोड़ी लंबी होने वाली है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। आज हम जानेंगे दोस्तों BS6 जो 6.7 लीटर इंजन है उसके एग्जॉस्ट ब्रेक के बारे में कि ये किस तरीके से काम करता है। और ये एग्जॉस्ट ब्रेक जो है दोस्तों टाटा BS4 अम्ब्रेला इंजन में पहले से ही आ चुका है। दोस्तों मैंने टाटा BS6 6.7 जो इंजन है खोल रखा है और मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। सो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि हम इन इंजन ब्रेक के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूँ, इसमें एक ऑयल गैलरी, एक यानी चिड़िया जिस जगह पे लगती है स्टैंड में, वहाँ पे एक ऑयल लाइन दी गई है जिससे कि जिसमें हमारे इंजन का जो है ऑयल प्रेशर आता है। आप देख सकते हैं ये सारी रोकर में लगी हुई है, इसमें ऑयल की सप्लाई होती है दोस्तों। इसके बाद मैं बता दूँ दोस्तों, इसमें एक इंजन कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है जो ये है, इसकी ये पिन है। आप देख सकते हैं इसमें 24 वोल्टेज करंट आता है और वो कब आता है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ दोस्तों। इसका पूरा फंडा जानने के लिए दोस्तों मैंने एक रोकर जो है खोल ली है, ये रोकर, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों इस रोकर की बैक साइड है, जो पहले की रोकरों में हुआ करती थी सेम वैसी ही है। अब मैं बता दूँ दोस्तों इसकी फ्रंट साइड, इस रोकर में दोस्तों आप देख सकते हैं दो वाल लगे हुए, मैकेनिकल वाल जो इस तरीके से फ्रेश होते हैं। एक ये आप देख सकते हैं एलिफेंट वाल और दूसरी ये एक ये रोड सी लगी हुई है ये। अब हम समझेंगे दोस्तों इन दोनों का क्या काम है, ये क्या काम करते हैं और इंजन कंट्रोलर हमारा कैसे काम करता है। दोस्तों ये दोनों जो है हमारे एग्जॉस्ट वाल हो गए और ये इनलेट वाल। इनलेट वाल से दोस्तों हमें कोई लेना देना नहीं है इंजन ब्रेक से। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं दोस्तों ये है इंजन वाल्व कनेक्टर जो दोनों वालों को आपस में जोड़ता है। आपने देखा होगा दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों जो इनलेट वाल है उस पर जो कनेक्टर लगा हुआ है वो बिल्कुल सिंपल है पहले वाले गाड़ियों की तरह। और इसमें आप देख सकते हैं थोड़ी सी चेंजिंग दी गई है, ये चेंजिंग क्यों है आइए जानते हैं। इंजन ब्रेक जो है दोस्तों इन गाड़ियों में दो तरीके से काम करता है, एक तब जब हम खुद इस्तेमाल करते हैं, दूसरा तब जब इंजन का जो RPM है वो हाई चला जाता है यानी 2800 RPM से ऊपर चला जाता है, तब ये ऑटोमेटिक काम करने लगता है। गाड़ी जब दोस्तों हाई RPM पे यानी 2800 RPM से ऊपर चली जाती है तब इसमें ऑटोमेटिकली जो है 24 वोल्टेज करंट की सप्लाई हो जाती है। जो ये ऑयल लाइन में ये जो वाल लगा हुआ है वो इस ऑयल लाइन में प्रेशर को रिलीज कर देता है। ऑयल प्रेशर दोस्तों जब इसमें रिलीज होता है, जो ये जो एक चिड़िया में एलिफेंट वाल लगा हुआ है ये जो वाल है इस तरीके से हल्का सा दब जाता है। ये वाल जो है दोस्तों अपने ये इस वाल को एग्जॉस्ट वाल को नीचे दबा देता है जिससे इंजन की गैस जो है लीकेज हो जाती है और इंजन अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। एग्जॉस्ट वाल के हल्के से दबने से इंजन कैसे कंट्रोल में आ जाता है जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों मैंने आपको बताया था इसमें एक इंजन कंट्रोलर ये वाल लगा हुआ है, ये वाल जब प्रेशर को रिलीज करता है ऑयल प्रेशर को तब ये इश्यू को भी सिग्नल दे देता है कि गाड़ी का RPM जो है बढ़ रहा है। ECM को जब पता चलता है कि गाड़ी का RPM बढ़ रहा है उस समय जो इंजेक्टर फायरिंग पे होगा उस इंजेक्टर को फायरिंग करने ही नहीं देता है। जब इंजेक्टर सिलेंडर पे फायर करेगा ही नहीं तो वहाँ पे स्टॉक बनेगी ही नहीं, जब स्टॉक नहीं बनेगी तो हमारा इंजन जो है ऑटोमेटिकली कंट्रोल पे आ जाएगा। ये सब जो काम मैंने बताए दोस्तों वो कुछ ही सेकंड में हो जाते हैं, यानी आप समझो एक पल में ये सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है बहुत फास्ट होती है आपको मालूम ही है। और इन रोकर की टेपिड सेटिंग कैसे होती है इस इंजन की वो वीडियो भी मैंने ऑलरेडी पहले से ही डाल रखी है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, जानेंगे इसके बारे में और डिटेल में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो का ज़रा सा भी पार्ट आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं BS4 में जो यहाँ पे बटरफ्लाई हुआ करती थी, वो भी इंजन कंट्रोल ही करती थी, उसको हटा के ये चीज़ क्यों दी गई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा और उसकी भी पूरी डिटेल में आपको जानकारी दूंगा कि ये चीज़ देने का क्या कारण है और हमको इससे ज़्यादा फ़ायदा है या जो पहले बटरफ्लाई में इंजन कंट्रोल होता था उससे ज़्यादा फ़ायदा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।